नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में ई नाम से जुड़कर किसान अपने उपज को अधिक मूल्य में बेचे। बाजार समिति रांची में किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण में दी गई जानकारी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत ई नाम से जुड़कर किसान उत्पादक समूह और किसान और अपने कृषि उपज का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। रांची के 15,000 से अधिक किसान और 25 किसान उत्पादक समूह यानी कि FPO इससे जुड़ चुके हैं और इसके माध्यम से व्यापार भी कर रहा है। यह जानकारी बाजार समिति रांची के सभागार में किसान उत्पादक समूह एवं किसानों के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पणन सचिव अभिषेक आनंद ने दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उपज को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत बेचने से काफी फायदा हो रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं मिलेगा पका हुआ मध्याह्न भोजन, जानिए शिक्षा विभाग का नया आदेश। छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए स्कूलों के खुलने के बावजूद झारखंड में बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत पका हुआ मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अगले आदेश तक के लिए मिड डे मील देने पर रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यह निर्णय लिया गया है। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में सभी उपायुक्तों, क्षेत्र शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। आप सबको बता दूं कि कुछ जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत दोपहर का पका हुआ भोजन देने को लेकर विभाग से दिशा निर्देश मांगा था। इसके बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट, 11 नए मरीज और 2 की मौत। राज्य में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। इसी बीच एक बार फिर कोरोना के नए मरीजों में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। जहां बीते कुछ दिनों से नए कोरोना मरीजों के आंकड़े 10 के नीचे होते थे, वहीं बीते 24 घंटे में 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई। हालांकि 12 मरीजों ने इस वायरस को मात भी दी है, लेकिन 2 मरीजों की इस घातक वायरस ने जान ले ली। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक कल रात 9 बजे तक राज्य में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से 6 मरीज रांची से, 4 पश्चिमी सिंहभूम से और 1 देवघर से मिले हैं। वायरस को मात देने वाले 12 मरीजों में 3 रांची से, 3 जामताड़ा से, 2 बोकारो से, 1 लोहरदगा से, 1 पूर्वी सिंहभूम से, 1 पश्चिमी सिंहभूम से और 1 देवघर से है। विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना से 2 मौत हुई, जिससे राज्य में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,135 पर पहुंच गया। आप सबको बता दूं कि राज्य में लंबे समय के बाद जाकर कोरोना से मौत हुई है, जिनमें से 1 देवघर, 1 धनबाद से है। गुलाब का चुभेगा कांटा, झारखंड के इन जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। चक्रवात गुलाब का असर झारखंड पर बुधवार से ही दिखने लगा है। बुधवार को राज्य के धनबाद, बोकारो, रांची और रामगढ़ जिले में बारिश हुई। इसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया था। गुलाब के कारण बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर 2 दिनों तक झारखंड में रहेगा। 30 सितंबर को गढ़वा, पलामू और लातेहार में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। शेष जिलों में भी इसका असर रहेगा। 1 और 2 अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 2 दिनों तक मानसून कमजोर रहा, लेकिन अगले 3-4 दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होगी। अब तक राज्य में 996 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो गई है। लॉकडाउन में झारखंड के कपड़ा उद्योग में काम करने वाली 90% महिलाएं बेरोजगार, इस रिपोर्ट से हुआ है खुलासा। कोरोना और लॉकडाउन के कारण कपड़ा उद्योग में काम करने वाली 90% महिला या तो बुरी तरह प्रभावित हुई या फिर बेरोजगार हो गई। सामाजिक सुरक्षा उपायों की कमी, जागरूकता, डॉक्यूमेंटेशन की जटिल प्रक्रिया, मजदूरी नहीं मिलना और परिधान उद्योगों द्वारा श्रमिकों की बुनियादी उपेक्षा ने महिला प्रवासी श्रमिकों के लिए मुश्किलें पैदा की है। श्रम विभाग की पहल पर चेंज अलायंस, फिया, CSCD, BHR और UNDP संस्था ने झारखंड और बिहार और यूपी की उन महिलाओं पर सर्वे किया है जो दूसरे राज्यों में जाकर परिधान क्षेत्र में काम करती हैं। होटल कैपिटल हिल में परिधान क्षेत्र में प्रवासी महिला कामगारों के लिए कानून के बारे में जागरूकता और उपाय तक पहुंच विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सर्वे की रिपोर्ट जारी की। चेंज अलायंस की वरीय प्रबंधक डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने बताया कि तमिलनाडु, दिल्ली और अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले झारखंड की 228, बिहार की 216, यूपी की 202
सरहदों और अन्य राज्यों की 22 महिलाओं पर सर्वे किया गया। इसमें 60% महिलाएं ने बताया कि कोरोना की वजह से उन्हें 15,000 से 20,000 रुपये तक कर्ज लेना पड़ा। 10% महिला ने कहा उनसे जबरन ओवर टाइम कराया जाता था पर अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता था। रात 9 बजे के बाद भी काम करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आम दिनों में 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था लेकिन 80% महिलाओं ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जीवन यापन को लेकर काफ़ी परेशानी हुई। 36% महिलाओं ने कहा कि घर वापस लौटने में सरकार का सहयोग मिला। 64% महिलाएं ने कहा कि उन्हें उनके वेज और अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। 42% महिलाओं ने कहा कि उन्हें कोई लिखित रोजगार नहीं मिला। चक्रधरपुर के भुवनेश्वर महतो और देवघर के नरसिंह मुर्मू बने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य। झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए गठित झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग में 2 सदस्यों का मनोनयन किया गया है जिसमें नरसिंह मुर्मू एवं भुवनेश्वर महतो शामिल है। नरसिंह मुर्मू झामुमो देवघर जिला अध्यक्ष हैं जबकि भुवनेश्वर महतो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। श्री महतो पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर के रहने वाले हैं। दोनों सदस्यों के मनोनयन को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर जल्द बजने वाली है डुगडुगी, निर्वाचन आयोग ने जारी किए चुनाव सीन। झारखंड निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक पदों के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। ये चिन्ह ऐसे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी निबंधित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल को आवंटित नहीं है। पंचायत चुनाव में चुनिया से लेकर कान की बालियां तथा नेल कटर से लेकर पेंसिल शार्पनर आदि तक चुनाव चिन्ह अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 24-24 स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं जो अभ्यर्थियों को वर्णमाला के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। 24 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं जो जरूरत पड़ने पर सभी पदों के चुनाव के लिए आवंटित किए जा सकेंगे। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर बनने की घोषणा से व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी, झारखंड में सुगम होगा आयात और निर्यात। झारखंड की स्थापना के बाद से ही राज्य का व्यापारी और उद्यम वर्ग रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सुगम आयात निर्यात और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की मांग कर रहा है। हालांकि अब व्यापारियों की ये मांग जल्द पूरी होगी। राज्य सरकार इसके लिए 113 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बारे में कई बार पहल की है। कोरोना संक्रमण से पहले रांची के सुकरहुट में 40 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की तैयारी की गई थी मगर कोरोना संक्रमण के कारण लटक गई। धीरज तनेजा बने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष, 3 निर्दलीय भी जीते। धीरज तनेजा झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आज देर शाम जारी परिणाम में उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया। 3 दिनों तक चले मतदान के बाद आज वोटों की गिनती हुई। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद विजयी पक्ष ने ढोल नगाड़े के साथ जीत का जश्न मनाया। चुने गए सभी सदस्यों का फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया गया। धीरज तनेजा को 3 दिवसीय चुनाव में 1400 वोट प्राप्त हुए हैं। चुनाव में सबसे ज्यादा वोट 1479 किशोर मंत्री को मिला। 21 सदस्यों की कार्यकारिणी में 18 सदस्य धीरज तनेजा ग्रुप और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। झारखंड के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, आइए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। झारखंड मंत्रालय में 28 सितंबर 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत विश्वविद्यालय के स्नातकों, उत्तर विभागों एवं उससे जुड़े महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की स्वीकृति दी गई। परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक का 25 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। देवघर जिला अंतर्गत अंचल मोहनपुर के मोजा दुमा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष हस्तांतरित 58 एकड़ प्रति कदम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची को निशुल्क हस्तांतरण किए जाने की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की भी स्वीकृति दी गई। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं जैसे कंडिका 7.8 एवं 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु स्वीकृति दी गई। झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई है।
वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की स्वीकृति भी दी गई। खूंटी जिला अंतर्गत अंचल कारा मोजा जुर्दाग अंतर्निहित 2.34 एकड़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ निःशुल्क पूरक भू हस्तांतरण की स्वीकृति भी दी गई। राज्य में पायलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत पोषण युक्त चावल वितरण करने के लिए पोषण युक्त चावल स्कीम लागू करने के लिए भी प्रदेश पीएमयू के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर विधेयक 2021 के झारखंड विधानसभा में स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।